हरे कृष्णा राधे राधे। एक प्रश्न आया है कि वैशाख स्नान कर रहे हैं और कहीं सफर पे जाना पड़ता है तो कैसे करेंगे। देखो ये बहुत नॉर्मल है, हम गृहस्थी में हैं, हम संसारिक जीव हैं और ऐसे में कहीं आना जाना पड़ ही सकता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस वजह से आपका स्नान खंडित हो गया आप ये सोचो, या हमें कहीं जाना है तो हम वैशाख स्नान शुरू ही ना करें ये सोचो, ये बिल्कुल गलत है। अब करना क्या है, बस इतना कि जहाँ भी जाओ वहाँ पे नियम का पालन करो, अपने नियमों को खंडित मत होने दो। जैसे आपका स्नान का नियम है तो जहाँ गए हो वहाँ पे जल्दी सुबह उठ के उसी तरह स्नान करो। अगर सुबह के समय आप ट्रेन या प्लेन में सफ़र कर रहे हो जो आपके स्नान का समय है, तो उस समय में आप उठ जाओ, चाहे ट्रेन में सारे लोग सो रहे हो, आप अपने ऊपर पानी के छींटे मारो और मानसिक रूप से पूजा कर लो, वैशाख महत्तम फोन पे सुन लो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर लो। अगर उस समय सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, आप फ़ोन पे नहीं सुन पा रहे हो, तो जब भी समय मिले बाद में तब सुन लो। सूर्य को जल अर्पित तो ज़रूर करना है, अगर कर सको तो कर दो, बहुत ही अच्छा है। और अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करने की भी स्थिति नहीं है, जैसे आप प्लेन से सफ़र कर रहे हो, तो फिर क्या करो, सूर्यदेव को मन में धारण करके मानसिक रूप से उन्हें जल अर्पित कर दो। कुछ भी करके देखो, हम किस परिस्थिति में क्या करते हैं ये हर किसी के ऊपर अलग अलग होता है, है ना, हर किसी के करने का तरीका अलग होता है। बस कहने का मतलब इतना है कि कुछ भी करके अपने नियम का पालन कर लो। अगर आपको मंदिर नहीं मिलता तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा कर लो, अगर वो भी नहीं मिलता तो मन में पूजा कर लो। राधे राधे।